गाइस फिलहाल अभी मैं जाऊंगा 7 स्क्रीन के अंदर जो कि हमारी लास्ट स्क्रीन होगी। इसके अंदर जाने के बाद हम देखेंगे क्या एक्सपीरियंस होगा और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर 7 नंबर की स्टेज, ये हमारी 7 नंबर की स्क्रीन। हमको यहाँ से अंदर जाना है अभी और फिलहाल अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत की है। यहाँ पर 2 दिन तक पूरे गाड़ी में ट्रैवल करके 1200 किलोमीटर्स में दूर आया हूँ यहाँ पर, वो भी मेरी एग्ज़ाम को छोड़कर। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो में कम से कम 1200 लाइक करवा देना और 1200 सब्सक्राइबर भी इस वीडियो से कम से कम बनवा देना और 1200 व्यूज़ भी बन जाएगी तभी भी चलेगा गाइस, बट कंप्लीट करवा देना 1 किलोमीटर का। और चलेंगे अभी 7 स्क्रीन में हमारे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और प्यारा सा कमेंट लिख देना जिससे कि मुझे भी मतलब ऐसे मन होगा अलग अलग न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ 7 स्क्रीन के अंदर, पता नहीं अभी 7 स्क्रीन में क्या है। 6 स्क्रीन इज सरप्राइज, फुल्ली सरप्राइज गाइस। ओ व्हाट इज दिस, वाओ शपथ। सो गाइस अभी इस म्यूजियम की लास्ट गैलरी है 7 नंबर। 2001 में जो कच्छ गुजरात में भूकंप हुआ था और उस भूकंप में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन लोगों को हम यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ एक वीडियो चलेगा, वीडियो के साथ दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए यहाँ आके श्रद्धांजलि देनी है। यहाँ आके आप श्रद्धांजलि देंगे तो यहाँ 5 लोगों के नाम आएंगे जिन लोगों ने भूकंप में अपनी जान गंवाई। जिंदगी अखंड होती है लेकिन इसकी डोर अपने हाथों में नहीं होती, इसे जितना भी अपने मुताबिक जीने की कोशिश करो। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें होने से हम चाहकर भी टाल नहीं सकते, जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप। ऐसे महाकाल भूकंप के प्रभाव को सबसे दर्द भी सहन नहीं कर सकता। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने अपने दुखों को मात दी और अपने प्रयत्नों से इस भूमि की पुनर्संरचना होती हुई देखी जो अपरिहार्य है। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तारों की तरह हमारी सहायता की। आइए कृतज्ञता के इस पवित्र स्थल पर यहां सभी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनकी खोई हुई देहों को श्रद्धांजलि दीजिए। हम सब हमारा हिस्सा है, तारों से हम है रोशन, हमारे कण कण में करिश्मा है, दिखते हैं जिस्म है लेकिन हम सब एक जान है। आइए हम रूह को अपनी यादों में जिंदा रखें। जो रूह बुझ गए हैं उन्हें अपनी ऊर्जा से यादों में सुलगाएं, जो गए उनके हमारे और पूरे गुजरात के दिलों के घाव भर जाएं। चलिए इस कृतज्ञता के स्थल पर उन दिवंगत आत्माओं की यादों को साझा करें, उनके लिए आप जो ज्योति यहां प्रज्वलित करेंगे वो जोड़कर उनका एक प्रकाश पुंज बनेगा जो हर रात आसमान में प्रतिबिंबित होगा।
अभी आप के साथ स्क्रीन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये म्यूजियम हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस रहा। अर्थक्वेक कैसे आता है, कब होता है, मतलब क्या क्या मतलब तबाही हो सकती है, कितने दूर तक अर्थक्वेक आ सकता है, मतलब अर्थक्वेक अगर आया तो कितने दूर तक उसकी मतलब तबाही कितने दूर तक हो सकती है, वो सब समझाया गया है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। फिलहाल अभी नीचे जा रहे हैं हम सारे स्क्रीन ख़त्म करके। तो अगर गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।